एक बार महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे हुए थे, तभी वहां पर एक स्त्री रोती बिलखती हुई महात्मा बुद्ध के पास पहुंची और उनके पैरों में गिरकर बोली, महात्मा जी, आप किसी भी तरीके से मेरे लाल को जीवित कर दो, मेरा एक ही पुत्र था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। महात्मा बुद्ध को उस पर दया आ गई, उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा, तुम शोक ना करो पुत्री। बुद्ध ने उस महिला को सत्य बताने के लिए सराहना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम ऐसे घर से भिक्षा के रूप में कुछ भी मांग लाओ जहां पर किसी भी व्यक्ति की कभी मृत्यु ना हुई हो। उस स्त्री को कुछ तसल्ली हुई और दौड़कर गांव में पहुंची। अब वह ऐसा घर खोजने लगी जहां पर कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो, लेकिन उसे सुबह से शाम हो गई ढूंढते ढूंढते, पर ऐसा कोई घर नहीं मिला। अब वह निराश होकर महात्मा बुद्ध के पास आई और सारी व्यथा उनको बताई कि महात्मा जी, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला है जहां पर कभी भी किसी की मृत्यु ना हुई हो। तब बुद्ध बड़े प्रेम से बोले, बेटा, यह संसार चक्र है, यहां जो आता है उसे एक दिन अवश्य जाना पड़ता है, तुम्हें इस दुख को धैर्यता से सहन करना चाहिए। तब महिला को महात्मा बुद्ध के वचन समझ आए और उस महिला ने फिर बुद्ध से संन्यास लिया और मोक्ष की राह पर चलने लगी। तो फ्रेंड्स, इस छोटी सी कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है, कई बार हमारे जीवन में भी जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है, हमसे कोई दूर हो जाता है, तो हम भगवान को दोष देते हैं, परेशान होते हैं, कई बार तो डिप्रेशन में भी पहुँच जाते हैं, लेकिन ये अटूट सत्य है, ये प्रकृति का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।